अगर सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनके आप भी पैसा कमाना चाहते हैं आप भी अर्न करना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं जितने भी लोग पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं हाय गाइस कशिश दिस द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो आज का ये जो वीडियो है ना उसमें आपकी सारी मेकअप प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने वाली हूँ बिकॉज आज का मेकअप वीडियो है स्पेशली एंड स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए और जिनकी पोर्स स्किन होती काफी है काफी ज्यादा पोर्स होते हैं गड्ढे होते हैं तो उन गड्ढों पर किस तरह से काम करना है किस तरह से उन्हें हाइड करना है वो सब चीजें मैं इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ और अगर आप ये मेकअप सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हम हमारी मेकअप की प्रॉब्लम्स दूर करें तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और 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 वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और मुझे ये भी पता है आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने वाले हो सो डोंट फॉरगेट आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ऐसी ही स्किन वाली प्रॉब्लम के साथ मैं वीडियोज बनाती रही और आप लोगों के साथ शेयर करती रहू सो लेट स्टार्ट सो ऑयली स्किन में हमें ध्यान में रखते हुए सारा काम करना है सो so सबसे फर्स्ट मैंने फेस क्लीन करने के बाद पिक्सी टोनर यूज किया है यहाँ पे मैं एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर यूज करी हूँ आपको एक चीज याद रखनी है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बहुत ही ज्यादा क्रीमी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है जैसे कि नीविया हो गया नीविया आप ऑयली स्किन पे नहीं लगा सकते सो so, जितने भी लोग लगा रहे हो ना रुक जाओ आपको बिल्कुल भी नीविया यूज नहीं करना है, है? है, है। जिन्हें नहीं पता है आपने वीडियो के स्टार्ट में अगर मेरी मॉडल की स्किन देखी होगी तो आपको छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे होंगे सो so, उन गड्डों को हम बोलते हैं पोर्स जिनसे बहुत ही ज्यादा ऑयल निकलता है और हमारा मेकअप जो है पूरा पैची हो जाता है यूज करी हूँ जो की है टाट का लाइक यू नो आप प्राइमर आप इसे

जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे लिक्विड कंसीलर यूज किया है क्योंकि लिक्विड कंसीलर इजिली अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी वही अगर हम क्रीम कंसीलर लगाते तो हमारा मेकअप जो है काफी पैची हो जाता है सो so, जिन भी लोगों का मेकअप पैची हो रहा है आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखो ताकि आप जो भी गलतियां कर रहे हो वो आपकी गलतियां पकड़ में आ जाए सो येफ के कंसीलर के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसीलर का बेस किया है और कंसीलर के बेस के बाद यहाँ पे मैं यूज करी हूँ वोडा ब्यूटी का टेंटोर इन शेड मीडियम और हम एक बहुत ही अमेजिंग सा यू नो कॉन्टोर करने वाले हैं एंड अभी तक हमने क्या क्या किया क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए आप लोगों को क्या करना है सारे स्टेप कमेंट डाउन करके मुझे बताना है क्योंकि मैं भी तो देखूं आप लोग सीख रहे हो या नहीं तो so, आपको स्टेप वन से लेके पूरा बेस बोल रू आयश हो नहीं खाली बेस जो जो भी मैंने किया है ना आपको सारे बेस के स्टेप यानी कि सबसे पहले मैंने क्लीन किया फिर टोनर फिर मॉइस्चराइजर हाँ हाँ पूरा नहीं बता रही हूँ पूरा आप लोगों को कमेंट डाउन करके बताना है सो कमेंट डाउन एंड लेटमी नो मैंने कितना सारा कौन कौन सी चीजें मैंने लगाई है देखू मैं भी आप ध्यान से देख रहे हो या नहीं सो यहाँ पे हुडा ब्यूटी के क्रीम कॉन्ट्रोल के बाद मैं थोड़ा सा पाउडर कर रही हूँ और उसके लिए मैं फेरा रूशी का पैलेट यूज कर रही हूँ एंड कॉन्टोर जो है मैंनेवी किया जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है, एक है right? तो कर रही हूं, ताकि मॉडल का जो फेशियल फीचर्स है वो अच्छे से हाईलाइट होके दिखे एंड अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितना कम प्रोडक्ट आप लगाओगे उतना अच्छा आपका मेकअप होगा ये चीज हमेशा याद रखना आप एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो ऑयली स्किन के मेक मेकअप के लिए प्लीज आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर पूछिएगा सो so ये तो बात रही ऑयली स्किन वालों के लिए और अगर ड्राई स्किन वाले भी मेकअप देखना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो अपडेट कर दिया है तो पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा और ड्राई स्किन वाले जितने भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी जाओ यार आपकी स्किन का भी वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइए की नेक्स्ट आपको कौन सी स्किन पे मेकअप देखना है पिंपल स्किन लिकोडामा स्किन डार्क स्किन मीडियम स्किन फेयर स्किन जिसपे भी आपको देखना है कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइए सो so, यहाँ पे जो मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ ना वो भी फेरा रुषि का ही है एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है सो so, आप लोग भी मुझे बताना आपको ये हाइलाइटर कैसा लगा सो so, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज आई मेकअप वैसे अभी हम थोड़ा सा जूम में आ गए तो क्या आप लोगों को पोर्स दिख रहे हैं आप लोग देख सकते हो कितने ब्यूटिफुली पोर्स कवर अप हुए हैं सो येस हम लोग मैजिक कर सकते हैं मेकअप में वी कैन डू इट बट मैजिक तभी पॉसिबल है जब हम प्रैक्टिस करें रोज एवरीडे बेसिस पे सो so, गर्ल्स अच्छे से प्रैक्टिस करो रोज प्रैक्टिस करो हर चीज को एक बार नहीं दस बार देखो जब तक नहीं आए तब तक देखो बट प्रैक्टिस करो सो so, यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया उसके बाद उसे सेट किया है यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर मैंने कोई भी पाउडर लॉक नहीं किया है उसके बाद मैंने एक जेल लाइनर लिया है एंड लोअर लेश लाइन पे मैंने ब्रॉड जेल लाइनर किया है और उसको मैं स्मच करी हूँ एक ब्राउन कलर के आई शेडो से सो so, बहुत ही ध्यान से इस प्रोसेस को देखना अगर एक भी पार्ट मिस हुआ तो मे बी ये आई मेकअप मैं आप सक्सेसफुली एक बार नहीं कर पाओगे लेकिन अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप इसे आराम से कर लोगे बहुत इजी है सो यहाँ पे नेक्स्ट सेम भी मैंने वाटर लाइन पे क्या किया है जेल लाइनर लगाया है और उसे स्मर्च कर दिया है ब्राउन आई से सो उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन कलर का आई मैंने लिया है बहुत ईजी आई है प्लीज़ ध्यान से देखना सभी लोगों से मेरी दरखास्त है सो सबसे पहले डार्क ब्राउन आई लिया है और उससे मैं क्या कर रही हूँ लाइट ब्राउन आई से मैं मर्च कर दे रही हूँ उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्लैक लिया है एंड uh, ब्लैक मैंने इसी लिया ताकि जो डार्क ब्राउन है वो थोड़ा सा यू नो हेवी हो जाए अच्छा दिखे उसके बाद यहाँ पे एक पीच कलर का आई मैं ले रही हूँ जो इस आई मेकअप में चार चांद लगा रहा है आप लोग देख सकते हो सो so, पीच कलर का जो आई है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ मिड में लगाया है यानी कि आईबॉल एरिया और इनर कॉर्नर पे मैंने जो है बेच कलर का आई लगाया है सो so, आप लोग देख सकते हो कि हम इजीली दो से तीन आई में भी काम कर सकते हैं उसके बाद इस मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई लाइनर का होना आई लाइनर सही से होना सो so, मैंने एक प्रॉपर विंग लाइनर अप्लाई किया है जैसा कि आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन सो so, विंग लाइनर की अगर मैं बात करूँ ना प्लीज डू प्रैक्टिस ऑन एवरी बेसिस क्योंकि मैं पिछले पांच साल से विंग लाइनर कर रही हूँ सो so, मैं आंखें बंद करके भी विंग लाइनर लगा सकती हूँ और वैसे ये आप लोग ने मुझे टाइटल दिया हुआ है लाइनर क्वीन का सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सो so, यहाँ पे मैंने फिर हाईलाइटिंग की है आईब्रोज बोन पे एंड आई मेकअप तुम लोग ही बताओ आई मेकअप ईजी है या हार्ड बिकॉज आप लोग हमेशा मुझे प्रॉपर जो ट्रू रिव्यू होता ना वही मुझे देते हो सो so, आप लोग ही मुझे बताओ आई मेकअप हार्ड है या ईजी है और ये भी बताओ कि करना चाहिए आप लोगों को कि नहीं करना चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है हर लड़की को ये आई मेकअप ट्राई करना चाहिए क्योंकि आप ये कोई भी वेडिंग में कर सकते हो किसी और की शादी में अपनी खुद की शादी में भी कर सकते हो आई so, थिंक आप सबको ये ट्राई करना चाहिए उसके बाद मैंने मस्कारा किया है फेरारुषी का मैं यहाँ पे यूज करी हूँ और येलो कलर का काजल यूज करी हूँ मैं लागल बोलो या एले बोलो जो भी आपको ठीक लगे उसका मैं काजल यूज करी हूँ एंड गाइज आप लोग अभी भी देख सकते हो मेरा जो बेस मेकअप है वो कितना न्यूट्रल और नेचुरल दिख रहा है ये नेचुरल दिखने का रीजन मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं है नेचुरल दिखने का रीजन है हम किस तरह से मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं किस तरह से उसे ब्लेंड कर रहे हैं सो जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना आप अच्छे से काम कर सकते हो जरूरी नहीं है मेकअप प्रोडक्ट अच्छा हो तभी हम काम करें राइट so, उसके बाद यहां पे मैंने लैशेस लगाया जो कि है लैशर ब्रांड के और थोड़ा सा हाईलाइटर मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ और सबसे अच्छी चीज जो अभी आने वाली है वो होने वाला है लिप ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज मैंने इस मॉडल को जो लिप ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ना वो अभी आप देखो ठीक है बहुत ही ध्यान से सो so, मैंने एक लिप लाइनिंग करी है मेरे अकॉर्डिंग वैसे ये चीज हम एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हैं सो इसकी प्रैक्टिस करिएगा बिकॉज लिप लाइनिंग जब हम ओवर लिप लाइन करते हैं ना तो हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है और आप लोग देख सकते हो ओवर लाइन के बाद तो ये मेकअप जो लग रहा है माय गॉड एंड आई मस्ट टेल यू गाइस वन ये मेकअप अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट सबसे नहीं मतलब वन ऑफ दी फेवरेट लुक में बोल सकती हूँ मुझे इतना पसंद आया और आप लोग देख सकते हो मेरे पानी डालने के बाद भी मेरा मेकअप कहीं पे भी नहीं जा रहा है वही का वही टिका हुआ है इसका रीजन क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे अभी तक आपने शायद स्टेप कमेंट कर ही दिए होंगे और जिन्होंने स्टेप कमेंट नहीं किए फटाफट से कमेंट कर दो ताकि आपको सारे स्टेप्स याद हो जाए एंड डोंट फॉरगेट आपको कौन सी नई वीडियो पे मेकअप देखना है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक like, शेयर और कमेंट जरूर करना थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जल्दी मिलूंगी अगले नए वीडियो के साथ